हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं जो यूरो लीग का मैच होने वाला है, मैकाबी तेल अविव वर्सेस एफसी बार्सिलोना के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब की वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिया है उसको अगर आप प्रेस करते हो, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो टेलीग्राम पे आपको सिर्फ सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है, फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओगे। क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होंगे लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आएगी तो ये सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए सीधा बात करते हैं मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकाबी तेल अविव की लाइनअप के बारे में। लाइनअप में थे कैलरियो, एवंस, विल्बेकिन, विलियम और एंटे जिदिक, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग लाइनअप थी मैकाबी तेल अविव के लिए। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो देख सकते हो 76-62 से लास्ट मैच विन किया मैकाबी तेल अविव। परफॉर्मेंस देखेंगे विलियमसन का 17.7 रिबाउंड 1 असिस्ट 34 मिनट्स में, जे नुनियाली 15 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 24 मिनट्स में, एजिजिक 14.9 रिबाउंड 18 मिनट्स, के इवन 13 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 4 असिस्ट 25 मिनट्स, जे रेनॉल्ड 7.8 रिबाउंड 1 असिस्ट 18 मिनट्स में, एस विल्बेकिन 5.3 रिबाउंड 6 असिस्ट 28 मिनट्स, के टेलर 3.1 रिबाउंड 1 असिस्ट 21 मिनट्स में, एम लेसर 2.2 रिबाउंड 4 मिनट्स में, उसके बाद में कैलरियो 2 रिबाउंड्स 4 असिस्ट 23 मिनट्स में, जे डिपामारियो 1 असिस्ट 4 मिनट्स में, और लास्ट में था सोरोकिन जिसने 3 मिनट में अपने टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। अभी हम लोग बात करेंगे टीम बार्सिलोना की। देख सकते हो बार्सिलोना का स्टार्टिंग लाइनअप कैलते, सिगिंस, कुरिच, मिरोटिच और ससू सैनली, ये स्टार्टिंग लाइनअप थी बार्सिलोना की। परफॉर्मेंस की बात करेंगे 74-76 से लास्ट मैच विन किया है बार्सिलोना ने। हिगिंस थे टॉप परफॉर्मर 18 पॉइंट्स के साथ 2 रिबाउंड 2 असिस्ट 26 मिनट्स में, ब्रेंडन डेविस 16.3 रिबाउंड 2 असिस्ट 22 मिनट्स में, कैलेथेस 11.4 रिबाउंड 7 असिस्ट 28 मिनट्स में, निकोला मिरोटिच 8.7 रिबाउंड 28 मिनट्स, रोनाल्ड स्मिथ 8.8 रिबाउंड 1 असिस्ट 21 मिनट्स में, नाइजेलेस 6.53 रिबाउंड 2 असिस्ट 23 मिनट्स, पुरिस 5.1 रिबाउंड 25 मिनट में, लैप्रोविटोला 4.2 रिबाउंड 2 असिस्ट 16 मिनट्स। जोकोबेटिस ने कुछ अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया था, एस मार्टिनेज ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था, सर्टक सैनली ने 2 रिबाउंड लिए थे 8 मिनट में। तो दोनों टीमों के स्टैट्स हम लोग ने डिटेल में देख लिए। आइए हम लोग अभी बात करेंगे हम लोग का जो टीम का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होगा इस मैच में उसके बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो शूटिंग गार्ड सेक्शन से, पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने यहाँ से पिक किया एस विल्बेकिन को, ठीक है। उसके बाद में शूटिंग गार्ड से मैंने यहाँ से पिक किया निक कैलाथेस को और ओरी हिगिंस को, ठीक है। यहाँ से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं के इवंस, गाइस बढ़िया प्लेयर है, क्रेडिट अगर मैच कर सकते हो अपने टीम में इसको ज़रूर पिक करना। एस एफ सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया जे नेनियोली को, एन हैज को, ठीक है। तो ये दोनों मैंने पिक किया, यहाँ से आपके लिए ऑप्शन अलग है। कुरिच ई एफ सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया मिरोटिच को और ब्रेंडन डेविस को, ठीक है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो डेविस के प्लेस पे यहाँ पे विलियमसन को ले सकते हो, लास्ट में टॉप परफॉर्मर था मैकाबी तेल अविव के लिए, और हेज को निकाल के आप 14 क्रेडिट के किसी भी प्लेयर को ले सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे के टेलर, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं मेरा जो पहले ही कॉम्बिनेशन है उनके साथ ही जाऊंगा। यहाँ पे हेज लिया था मैंने, यहाँ पे डेविस लिया था। सेंटर से मैंने यहाँ से पिक किया जिजिक को। रेनॉल्ड्स गाइस आपके लिए अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है 11 क्रेडिट में, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है ये, ठीक है। ऑफेंसिव रिबाउंड आपके लिए लेगा ये, ब्लॉक शील्ड में आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे 5-3 का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बार्सिलोना के फेवर में, ठीक है। बार्सिलोना स्ट्रॉन्ग टीम है तो आप कॉम्बिनेशन भी वैसा ही मैंने पिक किया है। एसपीपी के लिए आपके लिए पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है मिरोटिच, विल्बेकिन, ठीक है। स्मॉल लीग में तो यही दोनों सेफ है, थोड़ा डिफरेंशियल करना है तो विल्बेकिन को आप हटा सकते हो एसपीपी से, और कैलेथेस को आप एसपी और पीपी या ट्राई कर सकते हो, ठीक है। विल्बेकिन के बारे में एक बता दूँ, जो इसको बार्सिलोना का अगेंस्ट रिकॉर्ड है इसका उतना खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, यही रीज़न है आप अलग ऑप्शन भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो गाइस लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की अपडेट आती है लास्ट मिनट में तो उसके रिलेटेड जो कुछ चेंजेस होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनल लाइनअप के अकॉर्डिंग आप अपने टीम में चेंजेस कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।